subject English. English to you. Okay, student. Poem number 3, The Rainbow. Okay, student. आप सभी को ये बुक तो अभी सभी लेकर ही आए होंगे, है ना? तो अभी इसकी पढ़ाई तो हमें बुक से करनी है. तो टीचर आपको पोयम नंबर 3, द रेनबो, और ये रहा बुक में रेनबो दिखाई दे रहा है. दिखाई दिया आपको? सी, दिस इज द रेनबो. रेनबो इट मीन्स क्या पता है आपको? हिंदी में जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं. इंद्रधनुष कब दिखाई देता है पता है आपको? जब मॉनसून का सीजन आता है, इट मीन्स रेनी डेज, तब हमें आसमान में 7 कलर्स वाला बिल्कुल मस्त हाफ सर्कल वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है. आप बोलोगे ये कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल रियल में दिखाई देता है, 7 कलर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आई विल रीड दिस पोयम एंड एक्सप्लेन यू. ठीक है, आप सभी अपनी बुक में ध्यान दोगे टीचर के साथ. बोट सेल ऑन द रिवर. सी, यहाँ पर फर्स्ट बोर्ड भी बनाई है, आपको ज्वाइन करने ये डॉट, और आपको यहाँ नाम लिखना है BOAT बोर्ड, और इसमें कलर भी भर सकते हो. ओके, जस्ट फॉर फन आई विल रीड दिस पोएम एंड एक्सप्लेन यू. बोट सेल ऑन द रिवर एंड द शिप सेल ऑन द सी. इट मीन्स क्या हुआ? बोट जो है सेल, इट मीन्स यहाँ पर टीचर ने लिखा है सेल, इट मीन्स तैरना. कहाँ तैरती है बोट? रिवर्स इट मीन्स नदी, नदी में बोट तैरती है, हम सैर करने जाते हैं ना. एंड द शिप सेल ऑन द सी. शिप इट मीन्स जहाज, बड़े बड़े जहाज कहाँ तैरते हैं? समुद्र में तैरते हैं. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन दिस. क्लाउड्स मतलब बादल. यहाँ पर टीचर ने क्लाउड्स का स्पेलिंग लिखा नहीं होगा, CLOUDSI का. ओके, क्लाउड्स इट मीन बादल. बादल कहाँ तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं? आसमान में दिखाई देते हैं, जब बारिश का सीजन होता है तब दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि आसमान में वो तैर रहे हैं. तो बड़े सुंदर सा नजारा होता है जब रेनी सीजन आता है तब. आर प्रीटियर देन दिस, ये सुंदर दिखाई देते हैं. किसके किसके जैसे? किसके जैसे? जैसे बोट पानी में तैरती है और जहाज शिप में तैरती है, वैसे उसका नजारा हमें आसमान में दिखाई देता है बादल तैरते हुए. देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स. आपने देखा होगा, देखो टीचर यहाँ पे छोटा सा एक पिक्चर भी बनाया है. एक ब्रिज होता है, जैसे नदी बह रही है तो ब्रिज बनाते हैं हम, जहाँ से व्हीकल आना जाना करती है, और ब्रिज के नीचे से बोट भी तैरती है. यहाँ पर भी हमें पिक्चर में दिखाई दिया है, देखो तो क्या कहा है? देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर, नदी के ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं. एज प्रिटी एज यू सी, वो कैसे दिखाई देते हैं? जब बारिश का सीजन आता है, हर जगह हरियाली छा जाती है, हरियाली देखने सभी लोग घूमने निकलते हैं, तो वो सुंदर नजारा हमें दिखाई देता है, ब्रिज पर से हम देख सकते हैं. बट द रेनबो दैट ब्रिज इज हेवन एज प्रीटियर फार देन दिस. फिर हम कहते हैं बट रेनबो, यानी ये जो इंद्रधनुष है यहाँ पर जो बुक में दिखाई दिया है, वह हमें कैसे दिखाई देते हैं? स्वर्ग के लिए एक ब्रिज सा बनाया हुआ दिखाई देता है, और सुंदर नजारा दिखाई देता है आसमान में. यह किसने कहा है पता है? यहाँ जो पोएट है ना, रेस्टिना रोस्टी, उन्होंने ये पोयम लिख के हमें ये समझाया है. ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको ये पोयम एक्सप्लेन की है, फिर से एक बार अच्छे तरह से पढ़ के सुनाती हूँ. बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड द शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन दिस. There are bridges on the rivers as pretty as you see, please. But the rainbow that bridges heaven is prettier far than this. Okay? इस तरह से आपको ये poem भी याद करनी है. Student, यहाँ पर blackboard पर hard words दिखाई दिए हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ. Okay? ये hard words आपको English tutor की notebook में लिखना है, और teacher देखो date लगाई है, इसी तरह से आपको लिखना है, और नए पेज पर स्टार वाली एक्सरसाइज करनी है. नया पेज लेना है हर एक एक्सरसाइज के लिए. इस तरह से स्टार लगाओगे, हार्ड वर्ड्स लिखोगे, हेडिंग सेल इट मीन्स तैरना, सी इट मीन्स समुंदर, रिवर इट मीन्स नदी, ब्रिजेस इट मीन्स पुल कहते हैं हम, हेवन इट मीन्स स्वर्ग, प्रिटी इट मीन्स सुंदर, क्लाउड्स इट मीन्स बादल, शिप इट मीन्स जहाज, एंड रेनबो इट मीन्स इंद्रधनुष. आपको यह वर्ड्स नोटबुक में एक वर्ड 3 बार लिखना है, ईच वर्ड 3 टाइम्स होमवर्क.
इसी तरह से ग्रोसरी दी गई है आपको यहाँ बुक में, हर एक लेसन में होती है। देखो ये यहाँ पर दी गई है, आपको सेम आपकी नोटबुक में कॉपी करनी है। सेम इसी तरह से राइमिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं, जिसको आपको नए पेज पर दोनों एक्सरसाइज स्टार बना के लिखना है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर ये दोनों एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर रही है। ओके, दिस इज द ग्रोसरी, स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। से इंग्लिश में उसका मीनिंग दिया गया है, टू मूव फ्रॉम वॉटर ब्रिज, अ स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर अ रिवर टू हेल्प पीपल अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ब्रिज इट इज जिस सीमेंट का बनाया हुआ एक ब्रिज का स्ट्रक्चर है, जहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉसिंग करते हैं। हेवन ए प्लेस बिलीव टू होम ऑफ गॉड, हेवन इट मीन्स हम लोग जिसे स्वर्ग कहते हैं, यानी कि एक तरह का भगवान का घर। इस तरह से यहाँ पर ये हेवन वर्ड का मीनिंग समझाया जाता है। इसी तरह से बुक में राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, सेम नेम फार कार, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं आना जाना। ओके, यहाँ वहाँ, ओके। तो आपको इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो आप क्या करोगे होमवर्क में, कॉपी इन योर नोटबुक दिस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट।